नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक स्नैक रेसिपी बनाएंगे। तो जब भी गेस्ट आए तो आप इसे पहले से तैयार करके रख सकती हैं, और जैसे ही गेस्ट आए आप तुरंत उसी टाइम बनाइए, ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। और बहुत ही टेस्टी बनता है और दिखने में भी बहुत सुंदर होता है। तो आइए बनाते हैं आलू का ये टेस्टी सा नाश्ता। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने 4 आलू बॉईल करके लिए हैं और उन्हें बारीक इस तरह से कद्दूकस में कस लिया है। आप चाहें तो हाथ से भी मैश कर लीजिए। इसमें मैं आधी कटोरी चीज़ डाल रही हूँ, प्रोसेस्ड चीज़ है ये, आप कोई भी चीज़ डालिए। और इसमें मैं 4 से 5 चम्मच ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ। तो मैंने इसके लिए फ्रेश ब्रेड को मिक्सर में चला लिया और ये ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं। तो ये 5 से 6 चम्मच डालिए आप। और बाइंडिंग के लिए देखिए, इसमें मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, आप मैदा भी ले सकते हैं। या थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे, थोड़ी काली मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च और मिक्स हर्ब्स हैं। ये सब आप टेस्ट से ले लें मसाले, जैसे आपको पसंद है। और इन्हें अब आप बहुत अच्छे से मिलाते हुए बहुत ही सॉफ्ट सा हम डो रेडी कर लेंगे। और इसे अब हम रेस्ट करने देंगे 5 से 7 मिनट। तो देखिए, यहाँ मैंने फिर से 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसका बैटर बनाना है हमें। इसमें भी हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, मिक्स हर्ब्स हैं और थोड़े चिली फ्लेक्स हैं। और इस तरह से ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला एक बैटर हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, आलू हमारे तैयार हैं। और इस तरह से हम हाथों पर तेल लगाएंगे और इसको इस तरह की शेप दे देंगे आप नगेट्स की। आप चाहें तो बॉल्स भी बना सकते हैं, शेप आप कोई भी दे दीजिए। तो ये देखिए, मैंने ये सारे रेडी कर लिए हैं बना करके। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। देखिए, हम फिर से 5 से 6 चम्मच ब्रेड क्रम्स लेंगे और जो हमने कॉर्नफ्लोर का बैटर बनाया था उसमें हम हमारे आलू के नगेट्स डालेंगे। थोड़ा सा इस तरह से मिलाएंगे ताकि उस पर थोड़ा कोट हो जाए ये। और फिर इन सबको हम ब्रेड क्रम्स पर डालेंगे और अच्छे से ब्रेड क्रम की कोट लगाएंगे इस पर। थोड़ा हल्के हाथों से करें इन्हें और इस तरह से हम सारे नगेट्स रेडी कर लेंगे। तो ब्रेड क्रम की कोट अच्छे से लगे। और इसे हम देखिए कम से कम 1 घंटा फ्रिज में रेस्ट करने देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप इसे फ्रिज में ज़रूर रखें। अब देखिए, मैंने यहाँ तेल लिया और इसे हमें फुल गर्म करना, अच्छे से गर्म होना चाहिए। और शुरू में हम 5 से 6 डालकर इसमें देखेंगे कहीं ये फट तो नहीं रहे हैं, एक साथ सारे नहीं डालेंगे हम। और ये सिर्फ 4 से 5 मिनट में देखिए रेडी हो जाते हैं, फुल गैस पे ऑयल भी ज़्यादा नहीं सोक करते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया से रेडी हो गए हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। बाहर से कुरकुरे, अंदर से सॉफ्ट हैं। अब हम इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि ये फट नहीं रहे हैं और आपस में चिपक नहीं रहे हैं। तो 4 से 5 मिनट में देखिए इतना टेस्टी सा स्नैक और ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। जब भी गेस्ट आए आप बनाइए, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। बाहर से बहुत क्रिस्प और अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, फ्लफी से बनते हैं। तो आप बनाइए इन्हें। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।